पांच में हम प्रीपोजिशन देख रहे थे। प्रीपोजिशन इनका, एट का, ऑन का, अंडर का, इनका प्रयोग हम देख रहे थे। आज देखते हैं टू और फ्रॉम। टू और फ्रॉम का प्रयोग, टू का प्रयोग जब किसी से जाकर मिले तो टू का प्रयोग करेंगे। और फ्रॉम किसी से अलग हो, अलग होने के भाव में फ्रॉम का प्रयोग करें। यानी दोनों ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक भरना होता है। तो अपने को ध्यान यही रखना है कि हम किसी से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होना है, और किसी से जाकर मिल रहे हैं वहाँ पर टू का प्रयोग होना है। प्रीपोजिशन जो है वह उस नाउन के आगे लगता है और उसकी स्थिति को बताता है। जैसे इन लगा दिया हमने इन किया था अंदर के लिए, इनटू किया था गतिशील अवस्था में अंदर के लिए, ऑन किया था ऊपर के लिए, विथ किया था यंत्र के लिए, बाय किया था साधन के लिए, ये हमने प्रीपोजिशन किए थे। एट किया था जो निकटता बताता है, घड़ी के समय को बताता है, वहाँ एट का प्रयोग किया था। तो ये सारे प्रीपोजिशन हैं। जैसे अभी टू और फ्रॉम आ गया, ये प्रीपोजिशन उसके आगे, नाउन के आगे लगते हैं। तो टू जब किसी से जाकर मिले तो टू का प्रयोग करना है, और किसी से अलग होने का भाव में किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। इन दोनों में दो ऑप्शन दिए होते हैं, टू लगाओ या फ्रॉम लगाओ। जैसे हम सीधी सीधी बात कहें कि हम अगर स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल से जाकर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं ना। मतलब जाकर मिले, इसका मतलब की तरफ के उच्चारण में, की तरफ के उच्चारण में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उससे अलग हो, मान लो हम स्कूल से आ रहे हैं तो वहाँ अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव कौन बताएगा, फ्रॉम बताएगा। जैसे मोहन गोज स्कूल, ऑप्शन हो गया टू लगाओ या फ्रॉम लगाओ। तो मोहन गोज मने जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है तो स्कूल की तरफ जा रहा है, मतलब जाकर क्या हो रहा है, स्कूल से मिल रहा है, ठीक है ना, स्कूल की तरफ जा रहा है। तो हम टू का प्रयोग करेंगे, मोहन गोज टू स्कूल। जैसे सोहन केम जयपुर, वही टू लगाओ या फ्रॉम लगाओ। सोहन जयपुर से के मने आया, जयपुर से आया, इसका मतलब जयपुर से अलग हुआ, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव कौन बताएगा, फ्रॉम बताएगा। जयपुर से हट गया, वो चला गया, के मतलब आया, मतलब वहाँ जयपुर से अलग होके आया है। अगर जयपुर जा रहा है तो गो का प्रयोग करेंगे, जयपुर से अलग होने का भाव बता रहा है, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे माई सिस्टर केम बैक, वापस लौटी द स्कूल, टू या फ्रॉम, वही ऑप्शन दो ही है। मेरी बहन केम बैक मने वापस लौटना,
स्कूल, स्कूल से मतलब अलग हो गई, स्कूल से वापस आ रही है, मतलब स्कूल से अलग होने का भाव, ये अलग होने का भाव बता रहा है। केम बैक मतलब लॉटरी, स्कूल की तरफ जा रही नहीं है, स्कूल से आ रही है, तो यह अलग होने का भाव बता रहा है। ये अलग होने का भाव जो बताता है वो कौन बताता है? फ्रॉम बताता है। अपने को वाक्य पढ़ने से पता लगेगा कि वाक्य अलग होने का भाव बता रहा है या जुड़ने का। जैसे द एपल्स आर फॉलिंग द ट्री, पेड़ से सेव क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। पेड़ से सेव गिर रहे हैं, पेड़ से सेव गिर रहे हैं, इसका मतलब सेव क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। पेड़ सेव से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो अलग होने का भाव हमने क्या कहा? कौन बताएगा? फ्रॉम बताएगा। अलग होने का भाव कौन बताएगा? फ्रॉम बताएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अलग होने का भाव कौन बताएगा? फ्रॉम बताएगा। जैसे वेंट मने गए, हम दिल्ली गए, क्या कह रहा है? वी वेंट दिल्ली, हम दिल्ली गए। दिल्ली गए तो दिल्ली से जाकर मिले, दिल्ली की तरफ गए, जाकर मिलने के अभाव, अलग होने का भाव नहीं है, जाकर मिलने का। वेंट मने गए, हम दिल्ली गए, दिल्ली गए जाकर मिले, मिलने का भाव कौन बताएगा? टू बताएगा। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि टू जब किसी से जाकर मिले यानी की तरफ का उच्चारण प्रयोग हो तो टू का, और किसी से अलग होने के भाव में फ्रॉम का। जैसे हम कहा पेड़ से फल गिर रहे हैं तो पेड़ से फल अलग हो रहे हैं, पेड़ से फल अलग होने हैं तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करना है। जैसे हम कह रहे हैं हम दिल्ली से आ रहे हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ दिल्ली से मिल रहे हैं, इसका मतलब जाकर उस स्थान की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ टू का प्रयोग करेंगे, और वो स्कूल से आ रहा है तो मतलब वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, स्कूल जा रहा है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि टू और फ्रॉम प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है।